राधे राधे सभी को। ये देखिए, ये ड्रेस मैं यहाँ तक कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसके बाद अब रेड कलर से हार्ट बनाना शुरू करूँगी और इसकी बाउंड्री करूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाते हैं। ये आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहीं से करें। ये देखिए, पहले धागे को अटैच कर लेंगे। अब इसकी आउटलाइन करना शुरू करेंगे। ये देखिए, इस धागे को यहाँ कर लेंगे। इस धागे को यहीं इसके नीचे दबाते चलेंगे। ये देखिए, ये जो बस ये ऊपर की चेन होती है, इसी में ही हम आउटलाइन करते चलेंगे। ये देखिए, यहाँ तक मैं ये बुनकर कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अब हम इस तरफ से 5 चेन स्किप करेंगे। एक, ये देखिए, 1 2 3 4 5। और ये जो छठी चेन है, इसमें करोसिया पर ऐसे धागा लपेट लेंगे, इसके अंदर डाल लेंगे करोसिया। अब फिर इधर से 5 चेन स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5। और इसमें ऐसे ऐसे करके दोनों को ऐसे जोड़ देंगे और फिर से बाउंड्री स्टार्ट करेंगे। ऐसे बाउंड्री करते करते लास्ट तक जाएंगे। यहाँ तक आए, ये देखिए। अब क्या करना है, ये दोनों कोने पकड़ कर स्टिच कर देंगे। ये देखिए ऐसे,
इसको ऐसे, ये देखिए हार्ट बन गया। अब हम क्या करेंगे, तीन चेन लेंगे स्टिच करने के बाद। तीन चेन ली और इधर आए वापस, ये देखिए ये हो गया। ये जो इधर खाली जगह है, यहाँ से तीन चेन ली। तीन चेन हम क्यों लेंगे, ये जो एरिया है ये ऊपर को उठा हुआ है, तीन चेन लेंगे तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर ऐसे लेंगे तो हार्ट इधर झुक जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना है। जॉइंट करने के बाद तीन चेन लेंगे और फिर से यहाँ जाएंगे। ये देखिए रोज़ बनाने के लिए तीन डबल क्रोशिया कर लिए, फिर इन तीनों को एक साथ ऐसे घटाएंगे, फिर तीन चेन करेंगे, तीन चेन करेंगे। और जो तीनों डबल क्रोशिया हैं पहले इसमें इस साइड का, ये देखिए जहाँ हार्ट नहीं बने हुए हैं ना, इस साइड का, ये जो लेफ़्ट साइड है, ये तो इस तरफ से हम तैयार करते जा रहे हैं, इस तरफ नहीं करेंगे। ये तीन डबल क्रोशिया जैसे बनाए हैं, पहले इस साइड के इसमें डबल क्रोशिया में छः डबल क्रोशिया करेंगे, फिर जो इस साइड का है इसमें छः डबल क्रोशिया करेंगे, फिर बीच में पांच डबल क्रोशिया करेंगे और उसको ऐसे घुमा के यहाँ जॉइंट कर देंगे। ऐसे रोज़ बन जाएगा, फिर अगले वाला हार्ट स्टार्ट करेंगे। ये देखिए मैं करके दिखाती हूँ, ये देखिए जैसे ये हार्ट बना है, यहाँ से बाउंड्री स्टार्ट की थी, फिर हम यहाँ गए, फिर इस तरफ से पांच चेन स्किप की, छठी चेन में क्रोशिया डाला, फिर दूसरी जो ये पट्टी है इसकी भी पांच चेन स्किप की, छठी में क्रोशिया डाला, दोनों को जॉइंट कर दिया और फिर ऐसे करते हुए यहाँ लाकर यहाँ ये जो हार्ट के ये दोनों कोने हैं, ये जोड़ दिए। इसके बाद ये जोड़ने के बाद तीन चेन लेंगे, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ भी तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ऐसे करके तीन डबल क्रोशिया से पहले इधर उसमें छः करेंगे, फिर इस साइड के में छः करेंगे, फिर बीच में पांच करेंगे और उसी को घुमाकर यहाँ यहाँ जो गैप होता है यहाँ यहाँ जोड़ देंगे। इसी तरीके से हम पूरी ड्रेस कंप्लीट करेंगे। छः हो गए, फिर इसको ऐसे घुमाया और जो इस साइड का है इसमें भी छः डबल क्रोशिया, अब ये एक बीच का रह गया, इसमें डबल क्रोशिया करेंगे, इन दोनों को ऐसे कर लेंगे, फिर ये जो बीच का है डबल क्रोशिया इसमें पांच डबल क्रोशिया करेंगे, ऐसे हो गया। अब इसको यहीं ऐसे घुमा के यहाँ, ये देखिए ये ऐसे घूम जाएगा यहाँ, जॉइंट कर देंगे, ये देखिए। इसका हमें ध्यान रखना है, जैसे हम इधर से छः डबल क्रोशिया करेंगे, फिर इधर करेंगे, फिर बीच में करेंगे, तो इसको हम इधर को ही टर्न करके, ड्रेस को ऐसे टर्न करके तब जोड़ेंगे, नहीं तो ये सीधा नहीं जुड़ेगा आपसे। ऐसे टर्न करके ऐसे जोड़ेंगे तो ये देखिए ये छोटा सा रोज बन गया। फिर अगला हार्ट स्टार्ट करेंगे, ये देखिए इसकी आउटलाइन चालू करेंगे यहीं से ही, और इसी तरह हम अपनी पूरी ड्रेस कंप्लीट करेंगे। मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ, देखिए
ये देखिए, ये जो बीच में सभी गैप्स हैं इनमें रोज बनाएंगे, और ये हार्ट की, ये आउटलाइन के साथ हम हार्ट ऐसे बनाते जाएंगे। बस इसी तरीके से पूरी ड्रेस कंप्लीट करेंगे। राधे राधे सभी को।